अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको फिर सॉफ्ट फूड के ही बारे में दिखाने लगा हूँ। ये स्प्राउट्स दिखाने का मकसद ये है कि इसकी जड़ें बहुत लंबी और ये हरियाली भी निकलनी शुरू हो गई है। हमेशा याद रखिएगा, जितनी जड़ें लंबी निकल के आएंगी और ऊपर ग्रीनली आ जाएगी, ये आपके जो मेथी दे रहे होते हैं, पालक दे रहे होते हैं या लहसुन दे रहे होते हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है। ये देखें, जड़ें बन गई हुई, जुड़ गई हुई हैं। ये इसी शक्ल में मैंने ट्रे में डाल के मैंने अपने बर्ड्स को दे देनी है मैंने, और फिर देखिएगा वो कितने शौक से खाएंगे ये जड़ें समेत। ये जड़ें जो होती हैं ये ज़्यादा ताकतवर होती हैं, ये जड़ें तक निकल जाते हैं। वो ये पानी जो टपक रहा है, ये सुबह फजर के वक़्त मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये ओस का पानी सारा इकट्ठा होया हुआ है इसमें। इस इतना पानी इसमें से नहीं निकला हुआ, ये सारा ओस का पानी आया हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं अपने प्लांट्स को भी दिखाता हूं कि ये ओस से किस तरह गीले हुए हैं। ये सुबह के वक़्त इधर सूरज बहुत करारा निकला होता है, मगर क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ सूरज का, ये बर्फ़ की वजह से पत्ते सब फट गए थे पिछले दिनों, जब बर्फ़ पड़ी थी लाहौर में। तो मैं अंदर इनको डालकर भी दिखाता हूँ, सब पत्ते ऊपर से गीले गीले महसूस होंगे आपको। बाकी मैं ऊपर अभी डाल के दिखाता हूँ मैं इनको, स्टे विद मी। नहीं व्यूअर्स, ये मैंने ट्रे में डाल दिया है। ये जब भी आपने सॉफ्ट फूड देना है, अभी तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको फैला कर दिया करना है आपने। जिस तरह ये बड़ी बड़ी ट्रे हैं, मैं ट्रेयों में डाल कर देता हूँ। चॉकटे कॉकटेल के मेरे चिक बहुत ज़्यादा निकले हुए असल में इन दिनों, तो मैं ये सारा इसी वजह से इनको देने लगा हूँ फिलहाल। बाकी जो थोड़ा सा बचेगा तो आधे घंटे घंटे के बाद वो मैं फिर बाकी के लवबर्ड्स को भी दे दूँगा। नहीं सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।